दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स में चैप्टर प्रोबेबिलिटी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर इट वी वांट टू डिस्कस ए विचार। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हम में ही हैं। जिद करना सीखो, संकल्पों को दृढ़ता से पूरा करने का प्रयास करो। जो असंभव दिख रहा हो वो भी संभव हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए और अपने आप को आगे ही नहीं सबसे आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रोबेबिलिटी क्लास 9 and 10। इंट्रोडक्शन। इन एवरीडे लाइफ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंट। सो डियर, एन ऑपरेशन, एक्सपेरिमेंट को मैं डिफाइन करना चाहता हूं। एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। तो इसको इस तरह से हम लिख भी देते हैं, एन ऑपरेशन which can produce some well defined outcomes is called एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे ये जो मैंने लिखा है, एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम आपको यहां एक एग्जांपल देते हैं तो यहां पे मान लीजिए हमने एक डाइस को थ्रो किया और डाइस को थ्रो करने के बाद में जो आपको वहां पे डाइस का जो थ्रो है, दैट इज द इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है। आपने एक डाइस को थ्रो किया तो आपको वहां पे क्या क्या नंबर मिल सकते हैं? तो आपका ने यहां पे एग्जांपल लिखा, If a dice is thrown, then we get on the top, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's all. So this is known as experiment. अगर one आता है तो ये एक experiment हो गया, दोबारा से throw किया तो अगर two आ जाता है तो ये दूसरा experiment हो जाएगा। इसी तरह से हम उसे कितनी भी बार throw करेंगे तो हर बार में आपको एक number मिलेगा, that is known as experiment। उसी को हम experiment कहेंगे, ठीक है। Now next one, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है तो चलो उसको देख लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम
तो रैंडम का मतलब पहले तो आप समझ लीजिए, रैंडम का मतलब क्या होता है। रैंडम मींस अचानक, मींस जैसे आपको एक मैंने डेक दे दिया, डेक जानते हो, डेक मींस कार्ड ऑफ डेक, प्लेइंग कार्ड ऑफ डेक, जो ताश की गड्डी होती है वो मैंने आपको दे दी और कहा इसमें से आप एक कोई भी कार्ड खींच लीजिए, ठीक है। तो आप अचानक उसमें से कोई कार्ड खींचेंगे और मैंने कहा कि आप जो कार्ड खींचेंगे वो एक क्वीन होनी चाहिए, तो आपने उसमें से एक कोई कार्ड एट रैंडम खींच लिया, चूंकि आपको पता ही नहीं है कि क्वीन है कहाँ पर, लेकिन आपने फिर भी क्वीन मान के एक कार्ड हमको खींच के दे दिया। तो इसको हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपने डेक उठाया और उसमें एक कार्ड निकाला और हमको दे दिया। या फिर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपके बैग में कई सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं, उन बॉल्स में कुछ ब्लू बॉल्स हैं, कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ व्हाइट बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, और मैंने कहा कि आप बैग में से एक रेड बॉल हमको निकाल के दे दो, तो बिना उस बैग में देखे हुए आपने उसमें से हाथ डाला और एक बॉल खींच ली, तो इसको हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। और आपने कहा ये सर लीजिए रेड बॉल, और वो भले ही रेड हो या ना हो, लेकिन आपने रेड बॉल निकालने के लिए ही उसमें बैग में हाथ डाला और तुरंत एक बॉल खींच के हमको पकड़ा दी, तो इसको हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसे मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करेंगे, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, एन एक्सपेरिमेंट इन विच आर पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन एंड आर नॉन, जो आपको पहले से पता है, एंड द एग्जैक्ट आउटकम, एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इन एडवांस, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, इज कॉल्ड एन ये आपका डेफिनेशन हो गया। एक बार फिर समझिए, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन, आपको पहले से सब पता है कि इसमें क्या क्या है, एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, और जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए कह लेते हैं, कार्ड का ही एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे ए कार्ड टेकन आउट फ्रॉम द डेक, ए क्वीन, फ्रॉम द डेक of playing card, तो ये आपका हो जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। मीन्स अचानक जिस कार्य को आप करेंगे
वो आपका हो जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड और आप यूज करेंगे, ट्रायल। ये ट्रायल क्या होता है, तो उस ट्रायल के विषय में अब हम लोग जानेंगे। व्हाट इज द ट्रायल? ट्रायल वर्ड आपने सुना है, गेम में भी आप जाते हैं तो ट्रायल वर्ड को यूज करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल? परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है, तो आप जो रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं उसको ही कहा जाता है ट्रायल। ठीक है, जैसे कोई रेस आपको करनी है, देन रेस इज ए ट्रायल। ओके, आपको डाइस थ्रो करना है, सो वन टाइम्स यू थ्रो द डाइस, दिस इज ए ट्रायल। आपने कॉइन को थ्रो किया, सो कॉइन, थ्रोइंग द कॉइन, टॉसिंग द कॉइन इज नॉन एज ए ट्रायल। ओके, इसके बाद में फिर आपकी प्रोबेबिलिटी वर्ड आपका यूज होता है। व्हाट इज, इसके बाद जब इतना सब हम लोगों ने पढ़ लिया, देन हाउ कैन बी डिफाइन प्रोबेबिलिटी? अब प्रोबेबिलिटी को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो उस चीज को आप समझते हैं। ओके डियर, तो इसको रफ कर लेते हैं। सर्टेंटी, अनसर्टेंटी का मतलब होता है अनिश्चितता। किसी भी कार्य के होने की क्या निश्चित ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको हम अनसर्टेंटी कहते हैं। लेकिन इसको डिफाइन कैसे कहेंगे? ए डाउटफुल सिचुएशन, ए डाउटफुल सिचुएशन मतलब ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको हम कहते हैं अनसर्टेंटी। ऑफ एन एक्शन, एक्शन का मतलब एक्टिविटी भी कह सकते हैं, और एक्टिविटी दैट मे और मे नॉट, दैट मे और मे नॉट, take place is called uncertainty. ठीक है, तो uncertainty यहां पे आपका आर होगा, अनसर्टेंटी। तो किसी भी वर्क के, किसी भी एक्टिविटी के, किसी भी जो होता है एक्शन के होने में जो डाउट होते हैं उसको हम कहते हैं अनसर्टेंटी। मींस आपने रेस किया और रेस में आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि नहीं आप ही जीतेंगे, ऐसा नहीं है। यहां आपको डाउट है कि मैं जीत भी सकता हूं, हार भी सकता हूं। इसी तरह से आपने क्या किया कि कॉइन को थ्रो किया और आपने कहा हेड आएगा, लेकिन आपको डाउट रहेगा कि हेड आ भी सकता है और पता नहीं नहीं भी आ सकता है। तो आपको जो डाउट रहेगा उसको हम कहेंगे अनसर्टेनिटी। आपने डाइस को थ्रो किया और आपने कहा नहीं, इस बार मैं डाइस को थ्रो करता हूं, सिक्स ही आएगा, लेकिन फिर भी ये बात कहने के बाद भी आपको डाउट रहेगा कि हो सकता है सिक्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटी। तो इसी अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करेगा हमारा
डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसको आप लोग हम लोग समझ लेते हैं। द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, इसका डेफिनेशन होगा द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन, एक्शन मतलब जो भी आप करेंगे, एक्शन या फिर और एक्टिविटी कह सकते हैं, जो भी आप करेंगे वहां पे उसी चीज की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको आप दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल वे में आप यहां पे कह सकते हैं और ए चांस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ए चांस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट में जो चांसेस होते हैं उसको भी हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी वर्ड आया है, तो प्रोबेबिलिटी को क्योंकि यहाँ पे इवेंट की बात आई, इवेंट, इवेंट को हम ई से लिखते हैं और प्रोबेबिलिटी को हम पी से लिखते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय पीई, probability is denoted by PE, that is probability of an event, PE means probability of an event, and here is a formula for probability, that is probability equal to probability equal to favorable outcomes divided by total number of outcomes। तो ये favorable outcomes और total number outcomes ये क्या होते हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये तो वर्ड में डेफिनेशन हो गया, इसका फॉर्मूला होगा, मैथमेटिकली इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मींस पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, ये हम मैथमेटिकली ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। एन मींस नंबर ऑफ, ई मींस फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स, एंड ns, s means सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी वहां इवेंट या चांसेस हो सकते हैं वो सारे के सारे, उन सभी का नंबर्स को हम कहते हैं ns। तो यहाँ पे अब यहाँ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर आउटकम्स को समझने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है और फेवरेबल आउटकम्स से पहले आप टोटल नंबर आउटकम्स समझ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है। टोटल नंबर आउटकम्स हम पहले बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है और इसे कैसे समझेंगे आप। यस, लेट ए डाइस इज थ्रू, ओके,
देन यू विल गेट ऑन द टॉप आइदर वन और टू और थ्री और फोर और फाइव और सिक्स, इसमें से आप कुछ भी आपको मिल सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में कुछ भी मिल सकता है. सो बीच ऑल द चांसेस इज नोन एज टोटल आउटकम्स. ये आपका टोटल आउटकम्स हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे बात आती है फेवरेबल आउटकम्स. व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल आउटकम्स? अब फेवरेबल आउटकम्स में हमने इस डाइस को थ्रो किया और हमने कहा कि टॉप पर सिक्स आएगा. सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि हमसे पूछा गया सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो यहाँ पे सिक्स कितने टाइम्स पर है? सिक्स ओनली वन टाइम्स. तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स आपका सिक्स होगा और इसको काउंट करेंगे वन. तो आपका यहाँ फेवरेबल आउटकम्स इफ रिक्वायर्ड सिक्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स? ओके, तो ये जो हमने पूछ लिया गेटिंग सिक्स, यही आपका हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज सिक्स. एंड इट मीन्स एनी इक्वल टू आपका हो जाएगा वन. जो सिक्स को काउंट, सिक्स तो ये नाम है, ये सिक्स काउंटिंग नहीं है, नंबर नहीं है. मतलब जो सिक्स टॉप पे आएगा तो सिक्स एक ही बार आएगा, उसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम्स. तो उसको काउंट करेंगे वन, वन लिया जाएगा इसको. तो एनी का वैल्यू हो जाएगा वन. दूसरा एग्जांपल समझ लो, ए डाइस सॉरी ए कॉइन इज टॉस, ए कॉइन इज टॉस्ड देन गेटिंग द हेड ऑन द टॉप. तो हमने आपसे पूछा गेटिंग द हेड ऑन द टॉप, टॉप पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हेड बन जाएगा और जब आप डाइस को कॉइन को थ्रो करेंगे तो एक ही हेड आएगा. तो यहाँ भी फेवरेबल आउटकम्स वन होगा, लेकिन टोटल आउटकम्स जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो हेड और टेल, हियर इज टू थिंग्स, दैट इज एन एस इक्वल टू टू एंड एनी इक्वल टू वन. जो हम आपसे पूछेंगे वो प्रोबेबिलिटी, वो आपका होगा फेवरेबल आउटकम्स. और जो वहां पे टोटल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, टोटल रिजल्ट्स होंगे, उसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है. तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि टोटल आउटकम्स क्या होता है और फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है. मैंने कहा आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उन 45 स्टूडेंट्स में 100% मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है. तो मान लीजिए वहां पे दो बच्चे बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं, हर काम उसका एग्जैक्ट कंप्लीट रहता है और हर किसी का आंसर वो फटाफट देते हैं. तो यहाँ पे दो बच्चे, ये आपका फेवरेबल का आउटकम्स हो जाएगा. और टोटल क्लास में बच्चों की संख्या 45 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम्स, ठीक है. तो टोटल आउटकम्स आपका हो जाएगा 45, जिनके चांस आने के हैं 100% मार्क्स लाने के. तो ये लिमिटेशन क्या होती है? किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट होती है वो आपकी होती है जीरो इज लेस देन इक्वल टू पीई इज लेस देन इक्वल टू वन. इट मींस, इसका मतलब क्या है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी या तो फिर जीरो से कम होगी, और दूसरा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन होगी या तो फिर वन से छोटी होगी. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिर से ध्यान से सुनिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी या फिर जीरो से बड़ी होगी, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी
वन हो सकती है या वन से छोटी हो सकती है, इसका मतलब जीरो और वन के बीच में होगी, वन भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन से ज्यादा नहीं हो सकती। मैंने अगर आपसे कहा कि आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 5 है तो ये गलत हो गया, मैक्सिमम आंसर 1 हो सकता है, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। हम ये लिख सकते हैं 2579 डिवाइड बाय 128576, ये आंसर हो सकता है। व्हाई? बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 से छोटा ही आएगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ आपके ये कह दें 385, नाउ दिस इज नॉट आंसर ऑफ एन प्रोबेबिलिटी, ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से ज्यादा आएगा, कुछ भी होगा लेकिन 1 से ज्यादा आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब यहाँ पे बात आई 0 किसकी होगी और 1 किसकी होगी, चलिए वो भी समझ लेते हैं। आपने वर्ड सुना है श्योर, श्योर इवेंट, याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट ऑलवेज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट इज 1, ऑलवेज 1, नॉट इज 1, ऑलवेज 1, अब ये श्योर इवेंट क्या होता है वो भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे एक इवेंट लिखा, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, याद रखो ये सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होगा, ये वेस्ट में कभी नहीं हो सकता, तो ये क्या है, ये आपका श्योर इवेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा ईस्ट में ही राइज होगा, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग सन इन द ईस्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग इन ईस्ट इक्वल टू ऑलवेज 1, नो चांस, सीधा आंसर लिखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसके बाद एक और वर्ड आता है इम्पॉसिबल इवेंट, ओके देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज बी ऑलवेज 0, कोई भी अगर इम्पॉसिबल इवेंट है, इसी को एग्जाम्पल को ले लेते हैं, अगेन लेट अस सन राइजेस इन द वेस्ट, then probability of rising in the west always 0, dear कभी भी sun कुछ भी हो जाए west में कभी नहीं उगेगा, हमेशा वो east में ही उगेगा, तो ये impossible event हो ही नहीं सकता, impossible, तो इसकी probability 0 होगी, जो आपको साफ साफ समझ में आ जाए कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी कार कल आकाश में चलेगी, इम्पॉसिबल, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, आपकी कार कभी भी आकाश में नहीं चल सकती,
एरोप्लेन कल ट्रेन की पटरियों पे दौड़ेगा, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो एरोप्लेन है वो हवा में ही उड़ेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होगी। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोबेबिलिटीज होते हैं, जो चांसेस होते हैं, जिसमें आपको लगता है कि ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, कल ही आप, कल, आज तो आज है, कल ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देंगे, एकदम गलत, इम्पॉसिबल। अगर आप देंगे तो नाइन्थ का ही कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन कल आप KBAMC पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम आपसे नहीं ले सकता, इम्पॉसिबल। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज जीरो। तो जो आपका इम्पॉसिबल केस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है, और जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है, और जो बाद के केस बचे हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो और वन के बीच में होती है। जीरो और वन के बीच का मतलब आप याद रखिए कि हमेशा ये फ्रैक्शन में होगी या डेसिमल में होगी। तो डेसिमल में है तो वहाँ होल नंबर नहीं होगा, और अगर फ्रैक्शन में है तो उसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, देन दिस इज द प्रोबेबिलिटी। मैंने आपके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ देम, इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मैंने यहाँ पे लिखा माइनस फाइव नहीं लिखा, माइनस 0.1 लिखा, या फिर इसको लिख दिया -1/2, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में मैंने आपका लिखा 13/5, सी ऑप्शन में मैंने लिखा 1.3, और डी ऑप्शन में लिखा 3/7। तो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन सही होगा या फिर डी ऑप्शन सही होगा, आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। यस ऑफ कोर्स, आपका आंसर डी सही होगा, ए होगा, बिल्कुल, क्योंकि ए आपका माइनस में है, माइनस का मतलब ये जीरो से छोटा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद बी आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा हो गया, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 2 से बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, और डेसिमल में ये हमने नंबर लिखा है 1.3, तो ये भी 1 से ज्यादा हो गया, 1 होल नंबर है और 3 आपका डेसिमल नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। 3/7 इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है इस तरह से कि इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो ये चीज अभी आपने जो पढ़ी, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये इस प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपने अभी इसको सीखा। अब इस पे आधारित आपके क्वेश्चंस होंगे, और जो फॉर्मूला है वो आपका एक ही फॉर्मूला यूज होगा इसमें, PE = NE/NS। सो डियर, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर